सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। फाइनली श्रीराम मंदिर ड्राइंग की सेकेंड पार्ट आ गई है, और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वो पार्ट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और इस ड्रॉइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर ऑयल पेस्टल का यूज करने वाला हूँ, वाटर कलर यूज करने वाला हूँ, इवन कलर पेंसिल का भी यूज करने वाला हूँ। तो चलो अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी आउटलाइन ड्रॉ किए थे हम लोग, उसको पहले 80% इरेज कर देना है। बस इतना रखना है कि कहाँ पर कौन सा फीचर है वो हमें इजिली पता चल सके, और 80% इसलिए इरेज करना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ग्राफाइट है वो निकल जाए, नहीं तो इसके ऊपर कलर पेंसिल को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। इवन जब आप लोग वाटर कलर को यूज करने को जाओगे तब पूरा ड्राइंग ही खराब हो सकता है। और ये करने के बाद मैं अभी फुल ड्राइंग में वाटर कलर को यूज करके एक बेस लेयर को देने वाला हूँ। और वाटर कलर की रूल्स तो आप लोगों को पता ही होगा, ज्यादा पानी यूज करना है और कम से कम कलर्स को यूज करना है। और बेस लेयर मतलब लाइक आसमान में देखो, यहाँ पर जो एकदम से लाइट कलर है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमें आसमान की फुल एरिया में लेमन येलो कलर को यूज करना है, बट एकदम लाइटली अप्लाई करना है। उसके बाद जो भी गार्डन एरिया है उसमें बेस लेयर मतलब लाइट ग्रीन कलर से फुल एरिया में सिंपली अप्लाई करना है, और सेम आप लोगों को ऑपोजिट साइड में भी कर लेना है। और अभी नीचे वाला मंदिर की इस एरिया में हल्का करके ब्लू और रेड कलर को मिक्स करके एकदम लाइटली अप्लाई करना है, यानी लाइटली वायलेट कलर को अप्लाई करना है। और उसके बाद अभी मंदिर में एकदम लाइटली ब्राउन कलर को यूज करना है। तो मंदिर की एकदम लाइट एरिया में जो कलर आप लोग नोटिस करो वही कलर आप लोगों को फुल मंदिर में अप्लाई करना है, यही होता है बेस लेयर। तो अभी आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, देन आप लोग समझ जाओगे। ओके, बेस लेयर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप अभी स्काई के एरिया में और गार्डन के एरिया में ऑयल पेस्टल को यूज कर रहा हूँ, और ऑयल पेस्टल में यहाँ पर डॉम्स की यूज कर रहा हूँ। बाय द वे आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले स्काई में डिफरेंट स्पॉटो में जिस तरीके से कलर से लाइक मंदिर की आसपास के एरिया में और गार्डन की ऊपर के एरिया में लेमन येलो कलर से छोटे छोटे राउंड राउंड करके आप लोगों को सेटिंग करना है, और थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके आप लोग सेटिंग करना ताकि कहीं पर भी कलर्स मत छूटे, नहीं तो इसके बाद इसके ऊपर ब्लेंड ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट अभी ऊपर की कॉर्नर्स में डीप येलो कलर से सेटिंग कर लेना है, और उसके बाद उसके ऊपर वार्मिलन ह्यू कलर से सेटिंग कर लेना है, और लास्ट में थोड़ा और लाइट वैल्यूज को बढ़ाने के लिए वहां पर व्हाइट कलर को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी हमें इसको ब्लेंड करना है, तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज़ कर रहा हूँ, और नोटिस करो मैं एक साथ 3-4 कॉटन बट का यूज़ कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एरिया बहुत ही बड़ा है, तो जल्दी करने के लिए मैं 3-4 को एक साथ यूज़ कर रहा हूँ। और ब्लेंडिंग भी हमें छोटे छोटे राउंड राउंड करके ही करना है, जिस तरीके से हम पहले सेटिंग किए थे। और ध्यान रखना पहले लाइट कलर्स में ब्लेंड करना है एंड धीरे धीरे डीप कलर्स की तरफ जाना है। ओके, नेक्स्ट अभी गार्डन में जहाँ पर जो भी कलर्स आप लोग डिफरेंट स्पॉटों में ऑब्जर्व कर पा रहे हो वो कलर वहाँ पर सिंपली अप्लाई करते जाना है। तो पहले फील्ड के एरिया में मंदिर के आसपास में डीप येलो कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी लीप ग्रीन कलर को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद भी ट्री में पहले डार्क एरियाज में डीप ग्रीन कलर से छोटे छोटे डॉट डॉट करके सेटिंग कर रहा हूँ, और बाकी एरिया में लीप ग्रीन कलर को यूज़ करने वाला हूँ। और उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क ऐड करने के लिए वहाँ पर ऑलिव ग्रीन कलर को यूज कर रहा हूँ, और किस तरीके से मैं स्क्रेबल टेक्निक से सेटिंग कर रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरीके से नोटिस करो। और अभी छोटे छोटे जो भी हाईलाइट चाहिए वो करने के लिए मैं कैची से स्क्रैच कर रहा हूँ। और लास्ट में भी डार्क वैल्यूज को देने के लिए और डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं ब्लैक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और जिसके पास भी ब्लैक चारकोल पेंसिल नहीं है वो ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। और भी सेम उसी तरीके से ही ऑपोजिट साइड की गार्डन में भी कर लेना है। ओके, नेक्स्ट अभी मंदिर में कलरिंग करने के लिए मैं कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, और कलर पेंसिल मैं यहाँ पर ब्रुस्टो की यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग चाहो तो कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, लाइक डॉम्स का भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेटिंग यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से होगा गाइस, जस्ट आप लोगों को डार्क वैल्यूज को देना है क्योंकि हम पहले ऑलरेडी लाइट वैल्यूज के ऊपर काम कर चुके हैं। और सबसे मेन चीज़ डिटेलिंग के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, और यहाँ पर आप लोग जितना पेशेंस से काम करोगे उतना ही अच्छा आप लोग डिटेलिंग कर पाओगे, और उतना ही आप लोगों की ड्राइंग रियलिस्टिक बनेगी। और
एक एक पार्ट पकड़ के आप लोगों को कलर्स को करते जाना है, एक ही बार में फुल ड्रॉइंग को करने को मत जाना, नहीं तो आप लोग पेशेंस खो बैठोगे। तो पहले एक पार्ट पकड़ना है, उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद आप लोग को रेस्ट लेना है, एंड देन दूसरे पार्ट में जाना है और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से आप लोग को रेस्ट लेना है। और इसी तरीके से हमें धीरे धीरे पार्ट पार्ट वाइज फुल ड्रॉइंग को कंप्लीट करना है। और अभी आप लोग देखो इस पार्ट में रिफरेंस फोटो में जो भी डार्क वैल्यूज है उसको ऑब्जर्व करके ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और शेडिंग की टेक्निक तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर जितना डार्क है वहाँ पर उतना ही प्रेशर आप लोगों को अप्लाई करना है, और जहाँ पर जितना लाइट है वहाँ पर उतना ही लो प्रेशर अप्लाई करके हमें शेडिंग करना है, और जहाँ पर एकदम से हाईलाइटेड एरियाज है उस टाइप के एरियाज को छोड़ के ही शेडिंग करना है, क्योंकि हाईलाइटेड एरियाज की कलर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा और डार्क वैल्यूज चाहिए, तो वहाँ पर हमें डीप ब्राउन कलर को यूज़ करके शेडिंग करना है, और एकदम से डार्क चाहिए तो वहाँ पर हमें ब्लैक कलर से शेडिंग करना है। बस इतना ही टेक्निक हमें फुल मंदिर में अभी अप्लाई करना है। तो देखो आप लोग अभी कहाँ पर मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ड्रॉइंग को कम्प्लीट कर रहा हूँ। एन्जॉय द वीडियो। नेक्स्ट आसमान में राम नाम एकदम यूनिफॉर्मली लिखने के लिए मैं लिखने वाला एक पतला सा पेपर यूज कर रहा हूँ, ताकि नीचे वाला ड्राइंग थोड़ा बहुत दिख सके। और पहले जो भी आसमान के एरिया है उसमें हमें एक नॉर्मल सा आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद अभी इस एरिया के अंदर राम नाम अच्छी तरीके से लिख लेना है, और लिखने के बाद अभी ड्रॉइंग के ऊपर इसकी छाप लेना है, एंड देन उस छाप में हमें मेन ड्रॉइंग के ऊपर राम नाम लिख लेना है। और ये करने के लिए आप लोग कलर पेंसिल का यूज कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट का यूज कर सकते हो, इवन पोस्टर कलर को भी यूज कर सकते हो। ओके, अभी फिर से वही प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं श्री राम मंदिर ड्राइंग की ऊपर। Thank you.
और अभी लास्ट में जो एक्स्ट्रा हाईलाइट चाहिए वो करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रास पेन का यूज कर रहा हूँ। आप लोग एक्रेलिक पेंट नहीं तो पोस्टर कलर में ज्यादा पानी यूज करके वाटर कलर की तरह यूज कर सकते हो, सेम रिजल्ट्स मिलने वाला है आप लोगों को। फाइनली गाइस ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है एंड किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस ड्राइंग को करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अभी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।